हनुमान जयंती पर जुलूस को 16 पाबंदियों के साथ मंजूरी। रामनवमी पर हुए दंगों के बाद पुलिस हुई सख्त। हनुमान जयंती पर पाबंदियों के साथ निकल सकेगा जुलूस, रमजान को देखते हुए 16 शर्तें लगाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर पुराने शहर में निकलने वाले जुलूस के लिए परमिशन दे दी गई है। रमजान को देखते हुए इतवार बुधवार क्षेत्र से जुलूस निकालने की पुलिस ने सशर्त अनुमति दी है। राजधानी के ये इलाके बेहद संवेदनशील हैं और यहाँ के रास्ते बहुत संकरे हैं। हिंदू संगठनों की चेतावनी को देखते हुए शहर काजी ने इन इलाकों से जुलूस निकालने पर बेचैनी जाहिर की है। रमजान को देखते हुए हनुमान जयंती पर 16 शर्तें लगाई। पुलिस के अनुसार जय मां भवानी संगठन का यह जुलूस 16 अप्रैल को शाम 4:30 बजे शुरू होगा। जुलूस कालीघाट मंदिर से 4 बत्ती चौराहा, बुधवार, इतवार, मंगलवार, आजाद मार्केट, जुमेराती, घोड़ा नक्काश, बस स्टैंड भोपाल टॉकीज, झूलेलाल मंदिर, सिद्धि कॉलोनी तक निकलेगा। जुलूस में शामिल होने वाले श्रद्धालु अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चल सकेंगे। खासतौर पर जुलूस में आपत्तिजनक नारे, बैनर, पोस्टर आदि बैन किए गए हैं। शर्त के अनुसार किसी दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को ठेस पहुंचाने वाले नारे आदि लगने आयोजकों को जिम्मेदार माना जाएगा। जुलूस में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ स्थानों पर रामनवमी पर निकले जुलूस के बाद हुए दंगों से पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर हनुमान जयंती के साथ ही रमजान माह को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं। सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वाले 2 लोगों के खिलाफ मंगलवार को पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही 15 लोगों को बैंड ओवर भी किया गया है।